It is well said, if anything is done with devotion, that is something else. We know very well that education has become a great business nowadays. But if business is done with devotion, again, that is something else. ऐसा ही कुछ है जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ. महर्षि दयानंद कंप्यूटर साक्षरता मिशन गंगवा गांव के अंदर ये एक छोटा सा सेंटर जो एक बड़े नाम के साथ आज बड़े लेवल पे उभरता जा रहा है और मोदी जी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करना चाहता है. तो इसी कड़ी में आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इनके डायरेक्टर सर से. चलिए आइए मिलते हैं महर्षि दयानंद कंप्यूटर साक्षरता मिशन के डायरेक्टर श्री अमन वर्मा से. तो मेरे साथ है महर्षि दयानंद कंप्यूटर साक्षरता मिशन के डायरेक्टर श्री अमन वर्मा और जो फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है श्रीमती पायल जी. तो आज हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो महर्षि दयानंद जो कंप्यूटर साक्षरता मिशन है हमें ऑफर करता है. तो अमन सर, पहले तो जो है आपका जो इंस्टीट्यूट है इसका जो शुरुआती दिन है या इसकी जो शुरुआत थी वो कहाँ से हुई? स्टार्टिंग सर इसकी 2011 के अंदर मैंने इसको स्टार्ट किया था. महर्षि दयानंद कंप्यूटर साक्षरता मिशन को आजाद नगर से ही स्टार्टिंग हुई इसकी. आजाद नगर से शुरू किया है. तो इसके अलावा भी और कहीं है आपकी ब्रांचेस? इसकी ब्रांच नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी जगह है, जैसे असम के अंदर, नागालैंड के अंदर और बंगाल के अंदर ब्रांचेस हमारी चल रही है इसकी. मतलब काफी नेशनल लेवल पे ब्रांचेस हैं इसकी. नेशनल लेवल पे ब्रांच है इसकी. तो इस सेंटर की जो ब्रांचेस है वो नेशनल लेवल तक है. तो ऑब्वियसली जब बच्चे कहीं भी किसी भी कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, किसी को ज्वाइन करते हैं, तो उनके माइंड में एक छोटी सी बात होती है कि क्या ये जो सेंटर है या यूनिवर्सिटी या कॉलेज है वो अथोराइज्ड है या नहीं. तो आपका ये जो सेंटर है वो कितना अथोराइज्ड है? ISO सर्टिफाइड है सेंटर. इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से भी एफिलिएटेड है. इसके अलावा और नाइलेट से हमारा फैसिलिटेशन सेंटर ले रखा हमने. काफी जगह से फैसिलिटेशन सेंटर में मान्यता ले रखी है. मींस गवर्नमेंट से कंप्लीटली जो है अथोराइज्ड है, अप्रूव्ड है आपका सेंटर. पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब में वैलिड रहते हैं डिप्लोमा इस सेंटर के. मींस तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके गवर्नमेंट जॉब्स लगी और जहाँ पे आपका ये काफी सारे बच्चे हैं. इसी लॉकडाउन की बात अगर करें तो 4-5 बच्चे लॉकडाउन के अंदर ही लग चुके हैं. जैसे DHBVN का ये लेटर है. इसके अलावा UP के अंदर डाक विभाग है, उसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब लग चुके हैं बच्चे. तो काफी जगह बच्चे लग चुके हैं. मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए काफी अप्रूव्ड है यहाँ पे जो भी कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं. तो कौन कौन से कोर्सेज जो है आपका सेंटर ऑफर करता है बच्चों? कंप्यूटर के नॉर्मली जो मैथ्स जानने के कोर्स है वो बेसिक टैली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, लैंग्वेज C++, पाइथन, इस तरह काफी सारे कोर्स हैं. वेरी गुड. तो एक जो नाइलेट और एच स्केल में अगर डिफरेंस पूछे हैं तो मतलब नाइलेट और एच के स्केल का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या रहेगा? जो नाइलेट है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है. वहां से हमें जो एग्जाम होते हैं नाइलेट को देते हैं, मतलब सेंटर के ऊपर एग्जाम नहीं होते. तो और HKCL जो है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का प्रोग्राम है. इसका डिप्लोमा सिर्फ हरियाणा में वैलिड रहता है और जो नाइलेट है वो इंटरनेशनल लेवल का है. इसका डिप्लोमा पूरे इंडिया में, नेपाल, श्रीलंका, काफी अदर कंट्रियों के अंदर भी वैलिड रहता है. मींस कोई बच्चा अगर नेशनल लेवल का कोई एग्जाम देता तो वहां पे ही काम है, पूरी तरह से वैलिड रहता है. बल्कि आजकल हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर नाइलेट का डिप्लोमा मांगने लग गए हैं. चलो ठीक है. तो यहां आपके कौन बच्चा सीख सकता है, कौन बच्चा सिखा सकता है? सीखने की अगर बात आए तो वैसे तो 5th क्लास से वो बच्चा स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि नई शिक्षा जो नीति आई है उसमें 6th क्लास से गवर्नमेंट ने कोडिंग अनिवार्य कर दी गई है कि कोडिंग सीखे. आप नेशनल टीवी के ऊपर देखते हैं काफी एडवर्टाइजमेंट आती है 6th क्लास से बच्चा कोडिंग. तो 5th क्लास से अब कोई भी बच्चा. तो अगर मैं ओ लेवल की बात करूँ तो ओ लेवल भी आप लोग जो ऑफर करते हैं, तो नाइलेट और ओ लेवल का अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो क्या है? नाइलेट के अंदर ही ओ लेवल का कोर्स आता है और इसके अंदर मेन बेनिफिट क्या आता है, हर गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये वैलिड रहता है. अभी पीछे जैसे गवर्नमेंट जॉब जो अगर मिलिट्री वगैरह की होती है उनको कुछ एक्स्ट्रा ना नंबर मिलते हैं इसके अंदर, 15 नंबर, 10 नंबर, इस तरह के ग्रेस मार्क एक अलग से मिलते हैं. इसके अलावा ओ लेवल के अंदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है लड़कियों के लिए, 12,000 रुपए स्कॉलरशिप आती है. इसके अलावा SC कास्ट के जो बॉयज होते हैं उनके लिए 12,000 रुपए की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है. इसके अलावा हम भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी स्कॉलरशिप देने की कोशिश करते हैं उसके अंदर. मींस जैसे रूरल एरिया में जैसे आपका सेंटर है फिलहाल अभी, तो रूरल एरिया के बच्चे हैं, गर्ल्स हैं या हमारे जो SC ST कास्ट के बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल बेनिफिट जो है आपका सेंटर ऑफर करता है कोई? काफी तरह के अलग अलग टाइम पे टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप आती रहती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आती है. इसके अलावा हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जो बच्चे पढ़ाई के अंदर काफी सारे अच्छे करते हैं तो उनको हम स्कॉलरशिप सेंटर की तरफ से प्रोवाइड करवाते हैं. आपका सेंटर स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है. तो मैम पायल, आप बताइए कि
ये तो हो गए हमारे जो कंप्यूटर जुड़े हुए प्रोफेशनल कोर्सेज सारे, तो इसके अलावा और क्या है आपके पास? इसके अलावा हमारे पास एनटीटी का है सर, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे आप? प्ले स्कूल में आंगनवाड़ी भर्ती में निकलती है वैकेंसी काफी, अभी दिल्ली के अंदर ही जनवरी 2020 में निकली थी गवर्नमेंट वैकेंसी, निकली थी राजस्थान में नवंबर 2019 में निकली थी गवर्नमेंट वैकेंसी, निकली थी। टाइम टू टाइम निकलती रहती है सर एनटीटी के अंदर भी वैकेंसीज, तो वो करवाया जाता है। ये एनटीटी 1 ईयर का भी होता है और 2 ईयर का भी होता है मेरे पास, और ये भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड ही मिलेगा सर इसका सर्टिफिकेट। इसके अलावा योगा का कोर्सेज वगैरह भी है सर हमारे पास, योगा के अंदर योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के थ्रू अप्रूवल है सर। योगा के अंदर अलग अलग लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, जैसे बेसिक लेवल हो गया, एडवांस लेवल हो गया और एक्सपर्ट लेवल हो गया। योगा के अंदर जैसे योगा वेलफेयर होते हैं, योगा वॉलंटियर्स होते हैं, योगा टीचर होते हैं, या खुद का योगा सेंटर खोलना हो तो हर एक को एक अपना खुद का डिप्लोमा करना पड़ता है, तो वो डिप्लोमा हम करवाते हैं सर। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है आप? हाँ जी सर, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट की साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। अभी मतलब कितने बच्चे जो आपसे ये जो है मतलब इस सेंटर से डिप्लोमा कर चुके हैं? काफी बच्चे हैं सर, नियर अबाउट 50 स्टूडेंट्स पिछले साल पास हुए हैं एनटीटी के अंदर, और 35-40 के नियर अबाउट योगा के अंदर पास आउट हुए हैं सर, और अभी करंट के अंदर भी एडमिशन चलने लगे हैं सर। लॉकडाउन में भी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो करने लग गए हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है, डिस्टेंस मोड में चल रही है अभी इनकी योगा और एनटीटी, तो दोनों एडमिशन चल रही है सर इसके। बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से सुनने में भी आया कि जो हमारे आंगनवाड़ीज है वो जो है इन फ्यूचर क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है इसके अंदर प्ले स्कूल। हरियाणा के अंदर टोटल 45,000 है आंगनवाड़ी, इनके अंदर दो दो वर्कर मिनिमम चाहिए चाहिए सर, तो न्यूज में भी काफी बार आ चुकी है कि एनटीटी की रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी उसमें, तो 90,000 वैकेंसी निकलनी है सर, और कई बार अनाउंस कर चुकी है सर गवर्नमेंट भी कि जितनी आंगनवाड़ी उनको प्ले स्कूल में कन्वर्ट करनी, तो जैसे ही प्ले स्कूल में वो कन्वर्ट होगी तो एनटीटी की वैकेंसी की फुल निकलने वाली है सर जॉब्स में। तो टैली और जो अकाउंटेंट है वो भी आपके होंगे यहाँ पे? टैली हाँ जी सर, टैली के अंदर स्पेशल हम करवाते हैं टैली अकेडमी सर, ये टैली सॉल्यूशन के नाम से है सर, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी 132 ब्रांचेस है सर, तो वहाँ सारी जगह इसका ऑनलाइन होता है, बच्चे को आईडी पासवर्ड मिलता है, ऑनलाइन बच्चा सीख सकता है। इसके अंदर टाइम टू टाइम यूनिट टेस्ट की तरह होते हैं सर, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी होते हैं, इसका एग्जाम वगैरह जो होता है सारा प्रोसीजर होता है इसका, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर बच्चे को काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करवाई जाती है सर सर्विस, इसके अंदर बच्चे को GST के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, बिल्कुल GST बिल्कुल मॉडर्न जो है अभी, GST के कंप्लीट नॉलेज दी जाती है बच्चों को टैली के अंदर। चलो ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अमन सर मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए कि अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली कोई भी बच्चा है रूरल एरिया का चाहे कहीं का भी, तो उसे पहले फैसिलिटी के साथ साथ फीस स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बड़े बड़े जो हैं सेंटर्स हैं जो पूरे मतलब क्या कहते हैं प्रोफेशनल लेवल के, उनसे कहीं कम है या उनके बराबर का है? फीस की अलग अलग कोर्सेज की फीस अलग अलग रहती है, तो कुछ कोर्सेज के अंदर फीस कम है, कुछ के अंदर ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेन हमारा जो चीज़ आ जाती है वो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम आ जाता है कि गवर्नमेंट बच्चों को पूरी पूरी हेल्प करती है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं हम सेंटर की तरफ से भी पूरी पूरी कोशिश करते हैं जितना प्रोत्साहन हो सके जितनी राशि हो सके कम से कम दी जाए बच्चे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एजुकेशन अगर डिवोशन के साथ दी जाए तो कुछ अलग हो जाती है, यही खास बात है इस महर्षि दयानंद कंप्यूटर सत्ता मिशन की कि गवर्नमेंट से मिलने वाली जो भी ग्रांट्स है, गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम्स हैं, बच्चों से किसी भी तरीके से जो है हाइड नहीं की जाती है यहाँ पे। क्या मैं सही कह रहा हूँ अमन सर? बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसी काफी स्कीम्स है, गवर्नमेंट इतनी हेल्प करती है बच्चों की, पर सबसे बड़ी कमी है कि वो चीजें बच्चों तक पहुंच नहीं पाती, तो यही क्या आप लोगों का मिशन है? बिल्कुल सर, यही मिशन है सर। इसके अलावा ना ब्रांच भी, अगर हिसार की बात करें, आजाद नगर गंगवा की बात करें, तो गंगवा के अंदर हमारा एक खुद का ऑफिस है ही, इसके अलावा आजाद नगर मैनगढ़ी के अंदर भी हमारा दूसरा ऑफिस है, 2 किलोमीटर साइड में पड़ जाता है आजाद नगर। तो आजाद नगर के बच्चे कुछ एक गंगवा में आना मतलब नहीं आ पाते, गंगवा के बच्चे आजाद नगर, 2 किलोमीटर का भी फर्क काफी हो जाता है, तो इस नियर अबाउट एरिया में भी 2 ब्रांच है हमारी। चलो वेल, मैं पूरी पूरी कामना करता हूँ कि आपका सेंटर बहुत अच्छे से चले, और आप लोग एक सोशल सर्विस भी दे रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर सेंटर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? बेसिक का। अच्छा, बेसिक 3 मंथ का बेसिक कोर्स। इससे पहले कभी ज्वाइन किया आपने? नहीं सर, फर्स्ट टाइम। तो यहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे से करवाते हैं मैम, कुछ टाइम में काफी कुछ सीख लिया मैंने, अच्छे से करवाते हैं सर, फैसिलिटी वगैरह भी।
बिल्कुल यहाँ की पूरी फैसिलिटीज आपको सेटिस्फाइड है। थैंक यू। इंस्टीट्यूट से कब से जुड़े हुए हैं? मुझे 2 महीने प्लस हो गए हैं। मतलब 2 महीने प्लस से आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे पहले भी कभी आपने कोई संस्था ज्वाइन की थी? सर, आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ पे जो ओ लेवल कर रहे हैं तो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है आप यहाँ की फैकल्टी से? बिल्कुल, फैकल्टी से आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है। थैंक यू। अच्छा, आपका नाम? वंशम। वंशम, आप यहाँ कौन से जो कोर्स में आपने एडमिशन लिया हुआ है? मैंने दिल्ली में लिया हुआ है, बेसिक। एक बेसिक कोर्स आप कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ की फैकल्टी से? यस। मींस आपने अभी तक जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहेंगे? मैम अच्छे से पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत हो तो आराम से अच्छे से बताते हैं, कोई ये नहीं कितनी बार बता दिया गया। बिल्कुल, एक जो फ्रेंडली माहौल मिलता है, पढ़ाने का जो अच्छा माहौल मिलता है, वो सीखने को डबल कर देता है। यही खास बात है महर्षि दयानंद।